महाभारत भारत का प्राचीन ग्रंथ जो कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। तो आप जानते हैं कि कौन किसका अवतार था? भगवान कृष्ण, जिन्हें महाभारत का नायक कहा जाता है, जो 64 कला और अष्ट सिद्धियों से संपूर्ण थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। माना जाता है कि वे अपने पिछले जन्म में मनु थे। अगला जन्म बलराम। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। वे कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में तटस्थ होकर वे तीर्थयात्रा के लिए चल गए। पितामह भीष्म। भगवान कृष्ण के बाद पितामह भीष्म का नंबर है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्यु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र जी की आज्ञा से 8 वसुओं को महाराज शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यु जिंदा रह गए और वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। अगले अवतार थे द्रोणाचार्य। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है, जिन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा प्रदान की थी। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के श्राप से आज भी धरती पर भटक रहे हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। पिता पुत्र के इस जोड़े ने मिलकर महाभारत में तांडव मचा दिया। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया था। अगले अवतार है कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे, लेकिन उनका पालन माता राधा और अधिरथ ने किया था। उनके गुरु भगवान परशुराम थे और मित्र दुर्योधन थे। उन्होंने अंगदेश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन। दुर्योधन कलियुग तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र और गांधारे के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का वो शिष्य था। अर्जुन। अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। अगला अवतार है भीम का। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम को 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने ही दुर्योधन और उसके सहित गंधर्व के 100 पुत्रों को मारा था। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। उनके धर्म पिता पांडु थे। वे पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादी था एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और भी पत्नी नकुल सहदेव। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उसने महाभारत युद्ध के होने वाले परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। कुंती मात्री। कुंती और मात्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी। मती का जन्म राजा सुगल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों।